जी तो यहाँ पर जो है वो चपली कबाब जो स्पेशल है, पेशावर की स्पेशलिटी है, वो तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक अलग ही माहौल है। मेरे सामने गरम गरम चपली कबाब तैयार किए जा रहे हैं, अंदर अंडा डाला जा रहा है, नली डाली जा रही है। ये भाईजान जो है यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन इनको उर्दू जो है वो सही तरह से नहीं आती। यहाँ पर दूसरे भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है वो तैयार की जाती है। इन्हें उर्दू नहीं आती और मुझे पश्तो नहीं आती, तो इसलिए हम उनके पास चलते हैं और वो हमें सारी रेसिपी जो है वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं। गरम गरम घी में कबाब तल रहे हैं, अंदर नलियाँ हो, ओए आप इमेजिन करें और आपका वाकई दिल करेगा कि आप यहाँ पर आकर खाएं। तो आइए उनके पास चलते हैं, रेसिपी जानते हैं और आपके मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लाते हैं, ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान के शहर पेशावर में किस तरह के मज़ेदार किस्म के चपली कबाब मिलते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो यहाँ पर जो है दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के ओनर हैं। उनसे हम जानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि लोगों को यहाँ के कबाब जो है वो पसंद आते हैं, और कितने अरसे से ये शॉप यहाँ पर मौजूद है। रश लगा हुआ है, लोग ऑर्डर दे रहे हैं, साथ साथ वो बिल भी कर रहे हैं। हम उनको जरा थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे, साथ साथ जो है उनसे बातें करेंगे, ताकि उनका काम भी डिस्टर्ब ना, और हम भी जान सकें कि आखिर क्या स्पेशलिटी है और लोगों को क्यों यहाँ के कबाब जो है वो पसंद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस शॉप को कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन हमने इब्तिदा 2007 में किया था। 2007 में आपने शुरू किया था? नहीं, मेरे भाई ने। आपके भाई ने शुरू किया? मेरे भाई। अच्छा, आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद है? सिर्फ कबाब ही है? सिर्फ चपली कबाब है। सिर्फ चपली कबाब इनके पास? अच्छा, यहाँ पर जो चपली कबाब मिलते हैं वो नली वाले चपली कबाब है और बहुत सी जगहों से मिक वाले। तो क्या ऐसी खास बात है यहाँ के जायके में के लोगों को बहुत पसंद आता है? यह है कि यह ऑयल है, ये भी वजह है। हमारा जो खेमा है वो बिल्कुल फ्रेश, हमारा कसाई है उससे हम खेमा, मतलब मेरा भाई क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, सही सही क्वालिटी अच्छी। और कबाब कितने का है? 640 रुपए किलो, एक दाना 80 रुपए। एक दाना जो है 80 रुपए, 80 रुपए का है। और 640 का क्या है? फी किलो, किलो ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं टाइमिंग्स क्या है शॉप? ये 11 बजे सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे और रात कितने बजे? रात 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे। जी तो यहाँ पे जो है सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक जो है वो चपली कबाब तैयार किए जाते हैं। 2007 में इन्होंने शुरू किया था और बहुत सी जगहों से कबाब मिलते हैं, चपली कबाब मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी इनका कहना है बहुत जबरदस्त है और मसाले वगैरह जो है वो कुछ स्पेशल है जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। आइए चलते हैं आगे, जो बहुत से लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ के कबाब कैसे लगते हैं और खुद भी ट्राई करते हैं और आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पर आकर क्यों ट्राई करने हैं। आइए मेरे साथ। जी तो यहाँ पर हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, जो कबाब तैयार कर रहे हैं, जिनको उर्दू आती है, जिनसे हम रेसिपी जो है वो जानते हैं। और आप देख सकते हैं क्या माहौल है यहाँ पे, जो है रश भी लगा हुआ है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं कबाब खाने का, और यहाँ पर जो है ना खुशबू भी बहुत मज़ेदार मसालों की आ रही है। इनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं, कबाब बहुत मशहूर हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं खाने के लिए और यहाँ पर रश भी लगा हुआ है, तो क्या ऐसा है कबाब में, किस तरह तैयार किए जाते हैं? इसमें खालिस गोश इस्तेमाल करते हैं, बेंस के जो जवान बेंस होते हैं ना, इसके गोश इस्तेमाल करते हैं और ऑयल में पकाते हैं। कट्टे का गोश होता है? हाँ, कट्टे का गोश होता है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो सारा इसके मटेरियल है ना, टमाटर, प्याज वगैरह, अदरक, ये बिल्कुल इसमें हम जो वही डालते हैं जो एक नंबर होता है ना, सबसे अच्छी वाली। सही है, सही है। खालिस ऑयल में पकाते हैं, खालिस ऑयल में जो है वो तैयार किया जाता है, और इस टाइम भी यहाँ पे जो है ना बहुत गहमा गहमी है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से मसाले डलते हैं? इसमें मसाले बहुत है, धनिया, जीरा, अनारदाना, अदरक, सब्ज मिर्च। और ये जो बड़ी है सब्ज मिर्च है, ये इसके अंदर और भी चीज़ें आपने डाली हुई हैं? ये सब्ज मिर्च है। अच्छा, उसको आपने छोटे छोटे जो है ना, ये मसाला है मिक्स, अनारदाना, जीरा, इसमें और भी बहुत सी मटेरियल है ना। जी तो बहुत से मटेरियल जो है वो डलता है, अंडा भी यहाँ पे मौजूद है, अंडा जाता है, मिक्स जाता है, इन्होंने मिक्स जो है वो रखी हुई है। आप ये देखें, ये सारी मिक्स है और चपली कबाब के ऊपर मिक्स रख के, अंडा रख के जो है ना, उसे घी में जो है वो स्लाइड किया जाता है, घी में वो स्लाइड लेता है और उसके बाद जो है वो तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार है। लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उसके बाद जो है खुद भी खाते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ के कबाब कैसे हैं। आइए ट्राई करते हैं।
बताएं इनके कबाब जो हैं वो आप कब से खा रहे हैं, कैसा जायका है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं खाए उनको क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तकरीबन 4 साल जैसे जानता हूँ कबाब को, बहुत दूर से आते हैं इसको खाने के लिए, बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। खासकर हम सर्दी में बहुत आते हैं लेकिन गर्मी में भी इसका मज़ा कम नहीं हो रहा है। और मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि जिसने भी इसको टेस्ट नहीं किया वो इधर ज़रूर आए, उसका टेस्ट कर, इंशाल्लाह पसंद आएगा ज़रूर लोगों को। ये बहुत अरसे से खा रहा हूँ। अच्छा, हर रोज़ जब मैं आता हूँ इधर खाता हूँ और मज़ा भी करते हैं, कबाब अच्छा कबाब। जी ये तो हम बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, और हफ्ते में तो 2-3 बार खाम खाए आते हैं, और इस लोगों के कबाब भी बहुत अच्छे हैं, मसाले भी अच्छे हैं, और ये नले में डालते हैं उसमें कबाब शबाब में, और बड़ा अच्छा जायका है इसका। हम बहुत देर से आते हैं, बहुत टाइम से आते हैं यहाँ। जी तो अब जो है वो हम आ गए टेस्ट के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना एक मज़े की चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर नीचे बैठ के जो है ना वो खाने को मिलेगा। पिशावर में ये कल्चर भी है और यहाँ पे ज़्यादातर दुकानों पे ऐसे ही वैसे इनकी सिटिंग भी है, टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यार यहाँ पर हम बैठ के जो है वो ट्राई करते हैं। कबाब चपली कबाब आ गए हैं, स्पेशलिटी है यहाँ की, और ट्राई करते हैं जिसमें अंडा नली और बहुत कुछ डला हुआ है। और लेट्स सी कि जिनका हमने बहुत ज़्यादा जो सुना था ताज महल के कबाब बहुत मज़े के हैं, सो लेट्स ट्राई। ये हमारा कबाब आया और ये चटनी में हमने उसको डुबो दिया। वाह क्या बात है, इसमें जो मसाले लगे हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा, आप कहें कि मसाले तेज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशावरी जो खाना है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, आपको मीट का फ्लेवर जो है वो फील होता है। और इसमें जो है ना वो मैं नेक्स्ट बाइट जो है ना वो मिक के साथ लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मिक के साथ जो है ना वो मैंने ट्राई नहीं किया। ये हमारे आए और ओहो आप देख रहे हैं मिक जो है ना फुल ऊपर नरम, ये वाली ओहो ये बाइट हमारी हैवी होने लगी है। ठीक है, ये मिक आ गई और ये हमारा थोड़ा सा जो है अंडा आ गया। चलें जी तो लेट्स ट्राई मिक अंडा और चपली कबाब का जो मसाला और वो सारी चीज़ें उसकी जो बाइट